Hello, welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. My name is Aditi. And आज का lecture start करने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ important discussion करना चाहिए. Discussion भी नहीं, मतलब एक छोटी सी एक बात बतानी है कि हमारे लिए जितना physical health जितनी important है, मैंने कई बार शायद पहले भी बताया होगा, जितनी हमारे लिए physical health important है, mental health भी उतनी ही important है. तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखें. कुछ भी बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ है, अपने पेरेंट्स से कन्वर्सेशन करो, उनको बताओ जैसा भी आपको फील होता है. या इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टेलिंग इट टू योर पेरेंट्स, तो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताओ, या जो बड़े दीदी भैया हैं उनको, एंड एट योर एज, मतलब क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप अपने पेरेंट्स से ही सब चीज़ डिस्कस करें. बिकॉज एंड मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों की हर जिद पूरी करनी है उनके मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए, कि वो अंडर प्रेशर नहीं आ जाए या ये वो, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली तैयार तो करना ही है बच्चों को, और पॉइंट ये है कि हर जिद पूरी करना वो नहीं है मेरा जो कहने का मतलब है. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अपने बच्चे का डेली रूटीन में, उसके जो भी इमोशंस में, या उसके बोलने चलने में, या उनके एक्शंस में अगर कोई भी डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड लाइक टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट ये है कि दिखता नहीं है जो फिजिकल अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो दिख जाती है, राइट? कहीं लगी है, खून निकल रहा है, ये सब दिख जाता है, क्योर भी हो जाता है. बट इमोशनल जो भी ट्रॉमास हैं या कुछ भी हैं, तो ये सब जिसको हो रहा है वो बता नहीं पाता है, और समझा नहीं पाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता है, क्योंकि दिख नहीं रहा है. और पॉइंट ये है कि जब हम उनको केटर नहीं कर रहे होते हैं टाइम से, तो धीरे 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 वो सब पाइल ऑन होने लग जाते हैं, एंड इट रिजल्ट्स इनटू एंजाइटी अटैक्स या स्ट्रेस और ये सब चीज़ें. एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहो, बट अगर टाइम नहीं मिल रहा है या कुछ भी है, तो कन्वर्सेशन ज़रूर रखो अपने क्लोज फ्रेंड से या किसी से भी, बट एटलीस्ट किसी को बताओ. आपको नहीं लगता है कोई भी, तो यू कैन टेल इट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल, एंड जो भी फीलिंग्स है या जो भी लग रहा है उसको, बट प्लीज़ लाइक अपने अंदर अंदर नहीं भर के रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं इन सब चीज़ों के लिए, कुछ उसमें वैसी बात नहीं है. बट देन हमें ऐसा सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हमारे पास फैमिली है, हमारे पास फ्रेंड्स हैं, लाइक क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो हम उन्हीं से बात करके और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ को बिल्ड कर सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही ध्यान दो, और यस, बी इन कन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े दीदी भैयाओं से, या मुझसे प्लीज़ कन्वर्सेशन करो. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा है जो अच्छा नहीं लग रहा है, या कैसा भी फीलिंग हो रहा है, राइट? बिकॉज हम एक इनिशियल लेवल पे अगर उसको नहीं ठीक करते हैं, तो वो आगे जा कर के बहुत ही अच्छे लेवल पे नहीं हो, बहुत ही अच्छे उसमें बाहर नहीं आता है, राइट? तो हमको ऐसा नहीं करना है, राइट? सो या मुझे यही कहना था चिल्ड्रन, बिकॉज आई एम ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लाइक आज भी हमारे आसपास इतनी अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेकर के, और लोग उसको इतना इम्पोर्टेंस देते भी नहीं हैं, राइट? सो मैं, क्योंकि मेरे व्यूवर्स आप सब बच्चे हो, और ये सब चीज़ें बहुत स्टार्टिंग एज से ही हमें ध्यान रखनी चाहिए, आपको अभी से अवेयरनेस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, इसलिए मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ. एंड जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से बात करते रहिए, पता लगाते रहिए कि उनका दिन कैसा निकला, क्या हुआ,
कुछ भी डिफरेंट लगता है तो लाइक यू नो इट बेटर. राइट चिल्ड्रन, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन फॉर क्लास 8. और इसके हम, मुझे ऐसा लग रहा है लाइट कम है तो मैं देख लेती हूँ. यस, लाइट कम थी तो मैंने ऑन कर ली. सो चिल्ड्रन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के हम लोग दो लेक्चर कर चुके थे. उसमें से एक फर्स्ट में तो हमने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, सेकेंड वाले में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम टाइम एंड वर्क, मतलब उसी का जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे. राइट, सो बिफोर मूविंग, दिस इज़ आर टीम. आप लोग जानते हैं ये मैं हूँ. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एंड 6th to 8th मैथमेटिक्स. वो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में. दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड वी पोस्ट द लिंक देयर. मतलब जो चैनल होते हैं वहाँ पे हम लोग लिंक्स शेयर करते हैं ऑफ द वीडियो लेक्चर्स, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, ढूंढना ना पड़े. डायरेक्ट आप उस लिंक पे जाओ और वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे. सो दिस इज़ वन थिंग. दिस इज़ आर टेलीग्राम, दिस इज़ आर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको पैकेजेस दिख जाएंगे. यू कैन सी इट हियर. एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AVLIVE यू विल गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. And the complete package, which is otherwise for 9,000, you will get it in 6,300. And us 6,300 ke package mein aapko study material milega and test series for whole year, which will include again the part test and cumulative test for whole year. वही है. सो आई बिलीव कि इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लेट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी नो अबाउट इट, बिकॉज देर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर इन नीड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन. आई बिलीव कि सबको ही ज़रूरत है भाई. अच्छा पढ़ाई लिखाई किसको नहीं अच्छी लगती है. ठीक है, सेकेंड पैकेज इज़ फॉर 2,450, विच इज़ ऑफ विच इज़ द टेस्ट सीरीज. इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटीरियल देन यू कैन ऑफ फॉर इट. आपका जितना भी जो एनालिसिस है कि कितना समझ में आ रहा है, क्या है क्या नहीं, वो सब यू कैन डू इट विद दैट. मतलब इफ़ यू हैव द स्टडी मटेरियल. स्टिल कुछ भी क्वेरीज है चिल्ड्रन, कुछ डाउट है, कुछ भी फीडबैक देना है, वट एवर इट इज़, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. क्लियर चिल्ड्रन? सो अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. दिस इज़ द लाइक रिचुअल अपना कम्प्लीट करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को. Just a second. All right, so just a second. Just give me 1 minute. ठीक है. So lecture 1 हम लोग कर चुके थे children. We have already done lecture 1, right? Lecture 2 में, मतलब लेक्चर 1 में पूरा हम कर ही चुके थे. लेक्चर 2 भी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे. एंड आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक्स अपॉन वाई, मतलब एक्स अपॉन वाई करें तो मुझको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही थी के की. और अगर इनवर्स वेरिएशन है तो एक्स इंटू वाई मुझको 100 मिल रहा था. तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लेकर के ही बताया था. राइट, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिए थे एंड आई टोल्ड कि किस तरह से ये डायरेक्ट और इनवर्स हो रहा है. राइट, यहाँ पे तो इनवर्स था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट था. तो ये अपन ने यहाँ पे देख ही लिया था, समझ लिया था कि भाई जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है ना इनका, इसलिए डायरेक्ट है. अब नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ना. ठीक है, अब लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं. सो लेक्चर 3 में वील बी डूइंग एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जिसमें हम लोग पहला टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं. तो टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क मतलब जैसे देखो, मान लो कोई पर्सन है, अब वो लाइक ही इज डिगिंग अ वेल. ठीक है, उसको या तो वेल को डिग करना है या एक वॉल बनानी है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है एक वॉल का, तो उस पूरे काम में उसको 10 days लग रहे हैं, है ना, 10 days लग रहे हैं. तो अब मुझे ये बताओ कि उसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10. मतलब 10 days अगर लग रहे हैं तो 1/10 हुआ. और उसी का उल्टा, अगर एक दिन का काम 1/10 है तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 days में कंप्लीट होगा. राइट, तो बस वो यही यहाँ पर लिखा हुआ, इतना हम जानते हैं.
है ना। अब उसी को अपन क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसा आता है और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं अपन, राइट। सो वेयर इज द दिस हियर। सो अ वर्कर इज पेड ₹210 फॉर 6 days वर्क इफ हिज टोटल इनकम ऑफ द मंथ इज ₹875 फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क। तो अब ये बहुत ही सिंपल मतलब कंसेप्ट है कि अगर उसको मतलब 6 दिन में कितने रुपए मिल रहे हैं, 210, तो 875 ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मतलब कि ज़्यादा दिन काम किया होगा भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो आप 10 दिन के लिए काम कर रहे हो, जितना आपको पैसा मिलेगा 20 दिन के लिए उससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम थोड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। तो अब अपन इसको कंसिडर कर लेते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, लेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ डेज ही वर्क फॉर ₹875 बी एक्स, है ना। अपन ने मान लिया x है। तो अब देखो, अब दो अपनी क्वांटिटीज क्या है यहाँ पर, एक तो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या मतलब पेमेंट है, और एक है नंबर ऑफ डेज, राइट। नंबर ऑफ डेज है और कॉस्ट है, पेमेंट है सॉरी। सो पेमेंट काय में मिल रही है हमको, इन रुपीस, मतलब हमको क्या उसको, जो भी पर्सन है उसको, और जो नंबर ऑफ डेज तो डेज में ही है, ये दो क्वांटिटीज हो गई मेरे पास, राइट। दो क्वांटिटीज मुझको मिल गई। अब इसमें क्या हो रहा है, पेमेंट इन रुपीस, अगर 210 रुपए है तो कितने दिन काम हो रहा है, 6 days, और अगर इनकम है मतलब उसको पैसा अगर मिल रहा है 875, तो कितने दिन के लिए, x डेज के लिए। अब क्या है, सिंस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोर डेज या मोर मनी, मतलब मोर डेज ही मस्ट हैव वर्क्ड, राइट। तो इसका मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे चिल्ड्रन, x अपॉन y, मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। रिमेंबर जब अपन क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे तब डायरेक्ट वेरिएशन में अपन ने ये देखा था। तो मैं क्या लिख लूंगी, 210 अपॉन 6 विल बी इक्वल टू 875 अपॉन x। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 25, मतलब फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, 25 दिनों के लिए काम किया उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लो एक बार इसको, मतलब देख लो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अ वर्कर इज पेड ₹200 फॉर 8 days वर्क, इफ ही वर्क्स फॉर 20 days हाउ मच विल ही गेट। तो ये तो सेम हो गया है ना, ये सेम क्वेश्चन हो गया उसी के जैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब ये आप प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, जैसा मैंने पहले बताया वैसे ही करना है। डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा और वही दो क्वांटिटीज होगी इसके अंदर, पेमेंट और डेज। तो उसको आप लाइक दिस इज योर होमवर्क, यू आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन जस्ट पहले जैसा ही अपन ने जैसा किया वैसा है ना, सेम ही चीज है, इसके अंदर भी वही डायरेक्ट प्रपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 men can dig 6 3x4 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 27 meter long trench of the same type in one day? तो जैसे मान लो कोई वॉल बन रही है या कोई ट्रेंच को खोद रहे हैं, है ना। तो अब उसमें क्या हुआ कि अगर 10 men हैं, है ना, तो वो जितना ट्रेंच खोदेंगे, जितना डिग करेंगे, और 20 men हैं,
तो वो कितना करेंगे? वो ज्यादा करेंगे भाई, ज्यादा खुदाई कर देंगे ना। 10 लोग जितनी खुदाई करेंगे, 20 लोग उससे ज्यादा ही खुदाई करेंगे, है ना, ज्यादा डिग करेंगे उसको। तो यहाँ पर भी अपन को क्या समझ आया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। सो अगेन दो क्वांटिटी है मेरे पास, यहाँ पे दो क्वांटिटीज क्या है, सबसे पहले तो अपन अज्यूम कर लेते हैं इसको, क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन वन डे, है ना, वन डे की बात हो रही है, दोनों वन डे में ही बता रहे हैं वो। तो इसका मतलब अब मैं क्या अज्यूम कर सकती हूँ, हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, लेट द नंबर ऑफ मैन टू डिग 27 मीटर ट्रेंच, 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच बी एक्स, एक्स मान लिया मैंने, वाई जेड जू कुछ जो भी मानना हो मान लो, राइट। अब दो क्वांटिटीज क्या है मेरी, नंबर ऑफ मैन है ना, और ये क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेंच। अब ये लेंथ ऑफ ट्रेंच किस में है, मीटर्स में ही है, राइट, मीटर्स में ही है, तो लेंथ ऑफ ट्रेंच इज इन मीटर्स। अब ये दो क्वांटिटीज हो गई मेरे पास, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मैन कितने, 11, उसमें कितना ये 27/4 मीटर्स, और 27 मीटर्स के लिए कितना होगा, एक्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट वेरिएशन है, दिख ही नहीं रहा होगा ये, डायरेक्ट वेरिएशन में कितना होगा, वही एक्स वन अपॉन एक्स टू, मतलब एक्स अपॉन वाई, या एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू, तो उसी को ही मैं लिख दूंगी, 11 अपॉन 27/4 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 27, एक्स इज 44 मैन हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 44 मैन डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन वन डे, 44 मैन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, A workforce of 420 men with a contractor can finish a certain piece of work in 9 months. How many extra men must he employ to complete the job in 7 months? तो अब उसमें क्या हो रहा है चिल्ड्रन कि देखो, अगर मतलब मान लो कि एक वॉल बनानी है या एक घर कंस्ट्रक्ट करना है, अब उस घर को कंस्ट्रक्ट करने में 10 men कितना टाइम लगाएंगे, राइट, मतलब 10 मैन मान लो 10 डेज लगा रहे हैं, तो 20 मैन कम दिन लगाएंगे, समझ गए, मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कम दिन में अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट, समझ गए। मान लो एक घर बना रहे हैं, 10 लोग मिलकर के एक घर बना रहे हैं, अब वो मान लो 10 दिन में बना रहे हैं, है ना, तो 20 लोग क्या करेंगे, 5 दिन में बना देंगे उसको, है ना, 20 मतलब ज़्यादा लोग हैं तो दिन कम लग रहे हैं, अगर लोग कम हैं तो दिन ज़्यादा लग रहे हैं किसी भी एक काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अब अपन कर लेते हैं इसको फिर। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन, अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन वुड बी रिक्वायर्ड, तो अपन मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, ठीक है, फिर उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाद में तो पता लग जाएगा। लेट द टोटल नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड
to complete work in 7 months. हम ले सकते हैं मान लो x y ले लो, कुछ भी ले लो. मैंने x ले लिया, मुझे x लेना है. अब अगेन यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज हो गई जो कि है क्या टाइम. एक तो है नंबर ऑफ मैन, राइट, और है टाइम. टाइम किस में दे रखा है, मंथ्स में. वही मुझको देखना है तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं. 420 मैन है, 420 एंड उनका टाइम कितना है, 9 months का है. और हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द जॉब इन एक्स 7 months. तो 7 months में, 7 months के लिए मान लो एक्स मैन रिक्वायर्ड है, ठीक है. 7 months के लिए एक्स मैन रिक्वायर्ड है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स वेरिएशन है इसके अंदर. इनवर्स वेरिएशन क्यों है, इनवर्स वेरिएशन है लेस टाइम रिक्वायर्ड कब होगा, व्हेन देयर आर मोर मेन टू वर्क, जब ज्यादा लोग हैं काम कंप्लीट करने के लिए, राइट. तो अब इसमें खाए हो गए फिर कि अपन क्या करते थे. अब इसके अंदर क्या होता था, x इंटू वाई इक्वल्स टू के आता था. मतलब जब हम दो इन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते थे तो वी यूज टू गेट अ कांस्टेंट, है ना. तो इसका मतलब कि अगर मैं 420 इंटू 9 करूँगी तो ये इक्वल होना चाहिए x इंटू 7 के. यस, तो ये हो गया इन 540, राइट. तो मतलब टोटल जाने 7 महीने के लिए टोटल जाने कितने हुए, 540. अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन. सो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन कितने हुए, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन हुए 420 एक्स्ट्रा मैन हुए 540 माइनस 420, 120 मेन ज्यादा चाहिए. 120 मेन जो हैं वो ज्यादा चाहिए इसके अंदर, एक्स्ट्रा मेन जो रिक्वायर्ड है, जो वो कह रहा है उसके अंदर, ठीक है. कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे करते हैं इसको. ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इफ 36 मेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 15 मेन डू इट. तो इसका लॉजिक भी सेम है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब आपको इसको करना है खुद से. तो 36 अगर मेन होंगे, वो 25 दिन में कर रहे हैं, तो 15 मेन, मतलब अगर कम वर्कर्स हैं तो ज्यादा दिन लेंगे, राइट. लेस, देखो लेस नंबर ऑफ मैन मोर टाइम रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स वेरिएशन लग गया. तो वही आपको क्या करना है फिर, जैसा मैंने बताया, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने जैसा किया वैसा आपको करना है. तो ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, कॉपी कर लो उसको. हाँ, ये तो हो गया. फिर अ वर्कफोर्स ऑफ 50 मैन विद अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 months एंड हाउ मेनी मंथ्स द सेम वर्क कैन बी कंप्लीट. दिस इज आल्सो सेम, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप खुद से करेंगे. फिर ये भी सेम है, इसका लॉजिक भी सेम ही है, वही है. वर्क कंप्लीट करना है, मतलब डे, नंबर ऑफ डेज है, मैन है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है.
ये भी आप लोग कर सकते हो खुद से, सेम लॉजिक है, इसका भी सेम लॉजिक है। तो ये सब पॉइंट है कि ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए, क्योंकि लॉजिक सेम ही लग रहा है। इनवर्स ये जितने अभी मैंने जितने भी दिए इन सब में, तीन चार क्वेश्चन में इनवर्स ही लॉजिक लग रहा है। तो प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन से, तो समझ में आ जाएगा कि जब हम इनवर्स वेरिएशन लेते हैं तो उसके अंदर कैसे उसको सॉल्व करते हैं ना। वो तो सेम है ही सही, लॉजिक तो मैंने बता ही दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन करते हैं अपन। अब If the wages of 15 workers for 6 days, 15 workers for 6 days, 15 workers for 6 days are rupees, कितना rupees है? 9,450. Find the wages of 19 workers. Find the wages of 19 workers for 5 days. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। लिख लो, पहले मैं समझा देती हूँ वो क्या बोल रहा है। इफ द वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 6 डेज आर 9,450, मतलब 15 वर्कर्स का 6 दिन का अमाउंट उनको, या जो फीस है या वेजेस है, सॉरी वेजेस जो है वो कितनी है? 9,450। तो वो पूछ रहे हैं कि 19 वर्कर्स अगर 5 दिन काम करते हैं, 19 वर्कर्स अगर 5 दिन काम करते हैं तो उनको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दिया। तो अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे देखो। वेजेस ऑफ 15 workers wages of 15 workers for 6 days कितनी दे रखी है? रुपीज 9,450। ठीक, अब अगर मुझे सिंगल मतलब वन वर्कर के लिए वन डे की, मतलब एक वर्कर के लिए एक दिन की अगर मुझे वेजेस निकालनी है, सैलरी उसको कितनी मिल रही है निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? वेजेस ऑफ वन वर्कर फॉर वन डे कितनी हो जाएगी? 9,450 डिवाइडेड बाय 15 × 6, ऐसे ही करते हैं। मतलब आप एक एक करके भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस ऑफ वन वर्कर फॉर 6 डेज, मतलब 15 वर्कर की 6 दिन के लिए इतनी है, तो एक वर्कर के 6 दिन की कितनी होगी? 9,450 upon 15, राइट। फिर एक वर्कर की एक दिन की कितनी होगी? 9,450 upon 15 × 6, जैसे अपन यूनिटरी मेथड करते वैसे ही है, एक एक सिंगल सिंगल का निकाल रहे हैं। अब मैं निकालती हूँ जितने के लिए वो पूछ रहा है। देखो, वेजेस ऑफ 19 वर्कर्स फॉर 5 डेज की कितनी होगी? 9,450 upon 15
into 6 into 19 into 5. अब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं कर देती हूँ तो ये कुछ ना कुछ तो निकलेगा इसे, इसमें 15 मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कैलकुलेशन है उसको कर लो कंप्लीट, मैं भी वही कर रही हूँ। नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी फाइव आंसर आ जाएगा इसका। कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ तो मिस्टेक करी है क्या मैंने, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दी क्या? मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। चलो 9450 सही लिखा है मैंने, अपॉन 15 इंटू 6 90 होता है, 45 एंड 0 ये तो ठीक है, इंटू 19 सिक्स ये भी सही है। एक सौ पांच और 45 5 9 5 9 9 9 9 9 5 आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है। सेकेंड ट्वेंटी फाइव होता है यार ये तो, दिस इज 7 9 9 7 5 हो गए, 9 9 7 5 25 5 45 अब सही है, 9 9 7 5 अब सही है, अब कैलकुलेशन सही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
Six oxen or eight cows can graze the field. Six oxen or eight cows can graze a field. Can graze a field in 28 days. How would 9 oxen and 2 cows? 9 oxen. How would 9 oxen and 2 cows? How much can graze a field in 28 days? How much? नहीं, हाउ मैनी आना चाहिए, मच क्या आएगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी डेज वुड 9 ऑक्सन एंड 2 काउज टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड. चलो तो करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं अपन. सिक्स ऑक्सन और एट काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज. हाउ मेनी डेज वुड 9 ऑक्सन एंड 2 काउस टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड. तो अब चलन कैसे करेंगे अपन इसको, देखो. अगर मैं मतलब मैं बोलती हूँ कि सिक्स ऑक्सन या एट काउस, मतलब जितना 6 ऑक्स खा सकते हैं उतना ही 8 काउस, उसी के बराबर 8 काउस भी खा सकती है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 6 ऑक्सन इज इक्वलेंट टू 8 काउस. मतलब एक ऑक्स जितना खा सकते हैं उतना 8/6 काउस खा सकती है, बराबर खा सकते हैं, है ना. तो 9 ऑक्सन कितने काउस के बराबर ग्रेज कर सकते हैं, 8/6 × 9 दैट इज 12 काउस, 12 काउस के बराबर खा सकते हैं. अब वो बोल रहा है 12 तो काउस हैं, मतलब 9 ऑक्सन किसके बराबर हो गए, 12 काउ. मतलब अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब इजी हो जाए उसके लिए, मैंने ऑक्सन को भी काउस में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. तो अब मेरे पास टोटल काउस कितनी आ गई, चलें टोटल काउस इज इक्वल्स टू 14, है ना, 12 + 2 = 14. अब 14 काउस हो गए. अब देखो अगर 8 काउस, अब ये समझो कि अगर 8 काउस हैं वो 28 डेज में अगर ग्रेस कर रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं पूरे खाने को, मतलब पूरी फील्ड को ग्रेस कर रहे हैं, तो अगर 14 काउज होंगी तो वो कम दिन में कर देंगे पूरे फील्ड को ख़त्म, है ना, कम दिन में कर देंगे. मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, है ना, क्या हो गया, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन. अब क्या हो गया, दो क्वांटिटीज मेरी क्या क्या दिख रही है मुझे, नंबर ऑफ काउस और नंबर ऑफ डेज, राइट. अगर मेरी नंबर ऑफ काउस है 8 तो नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं, 28. अगर मेरी नंबर ऑफ काउस है 14 तो लेट अस से नंबर ऑफ डेज है x. तो अब 8 × 28 = 14 × x. इनवर्स प्रोपोर्शन है चिल्ड्रन, इनवर्स प्रोपोर्शन है, समझ गए, इनडायरेक्ट वेरिएशन है. कम दिन लगेंगे 14 का गाय को ये फिनिश करने के लिए. तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, अपॉन 14.
कितना हो गया ये 16 4 दिस इज 2 7 4 जा 28 एंड 4 2 जा 16 राइट 14 2 जा 28 2 जा 16 डेज 16 दिन हो गए ठीक है 16 दिन में ये पूरा फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगा ठीक नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं अपन A alone can do a piece of work in 5 days and B alone can do it in 7 days. How long it would take to finish the work if they work together. अब वो बोल रहा है कि A कैन डू अ ए कोई भी एक काम है कोई भी एक पूरा कंप्लीट वर्क है उसको कंप्लीट करने में उसको 5 दिन लगते हैं बी को 7 दिन लगते हैं मतलब अकेले अकेले अगर वो काम कर रहे हैं उसका काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो ए को लग रहे हैं 5 दिन उसी काम को कंप्लीट करने में और बी को लग रहे हैं 7 दिन अब अगर वो दोनों एक साथ काम करने लग जाते हैं तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे बोथ वर्क टुगेदर तो डेफिनेट सी बात है कि कम ही दिन लगेंगे है ना पर वो दिन कितने होंगे वो अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन अज्यूम करते हैं मतलब अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है अभी वो क्या बोल रहा है टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क कितना है 5 डेज है 5 डेज है दिख रहा है ना टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क इज 5 डेज सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे कितना होगा भाई 5 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है ना 5 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/5 है ना समझ रहे हो 5 दिन में 5 डेज में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/5 वर्क कंप्लीट होगा सो वर्क डन बाय ए इन 1 डे 1/5 ठीक अब ऐसा ही अपन बी के लिए भी देखते हैं देखो वर्क डन बाय बी टाइम टेकन बाय बी टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट अ वर्क इज 7 डेज एक काम कंप्लीट करने के लिए बी को कितने दिन लगते हैं 7 दिन लगते हैं म्हणजे 7 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा 1/7 समझ गए
अगर 7 दिन में एक काम कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/7. सो वर्क डन बाय बी इन वन डे कितना होगा? 1/7 वर्क. अब समझना, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? इफ बोथ वर्क टुगेदर तो वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन टुगेदर वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन वन डे कितना होगा? जितना ए वर्क कर रहा है 1/5 प्लस 1/7 जितना बी काम कर रहा है. एक दिन में वो जितना जितना काम करते हैं उतना उतना ही करेंगे एक दिन में, और दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों का एक एक दिन का काम मैंने ऐड कर दिया, वो कितना हो गया? ट्वेल्व बाय 35 वर्क. ठीक है, तो एक दिन का काम अगर है 12/35 वर्क वो एक दिन में कर लेते हैं, है ना, तो पूरा काम कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? देयरफॉर वर्क देयरफॉर नंबर ऑफ डेज ऐसा लिखती हूँ मैं, देयरफॉर टाइम टेकन देयरफॉर टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीट वन वर्क कितना होगा? भाई 12/35 वर्क वो करते हैं एक दिन में, है ना, 12/35 वर्क वो कितने दिन में कर रहे हैं? एक दिन में. तो वन वर्क, वन कंप्लीट वर्क वो करेंगे कितने दिन में? 1/12/35 दैट इज 35/12 डेज में, मतलब कितने दिन हो गए ये? 24 मतलब 11/12 डेज में, 11/12 डेज में वो इसको कंप्लीट कर लेंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा. लेट्स फिनिश द लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. बाय, टेक केयर.